ओके, दिस इज आवर चैप्टर नंबर फोर. चैप्टर नंबर फोर, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, बिफोर प्रोसीडिंग यू मस्ट रिकॉल फ्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. ओके, इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में द फर्स्ट टर्म दैट वी कम अक्रॉस इज इफेक्ट्स. इफेक्ट्स मतलब किसी भी चीज का क्या इफेक्ट हो सकता है. तो व्हाट इफेक्ट वी आर लर्निंग हियर, वी आर लर्निंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स सीखेंगे. सो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर. कंडक्टर मीन्स वॉट? एनी मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो. कोई भी मटेरियल जो हमें अलाउ करता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, दैट इज योर कंडक्टर. एंड द अपोजिट ऑफ कंडक्टर इज इंसुलेटर. ठीक है, तो कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है? मेटल्स. मेटल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर. अब हमने यहां पे बात की के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, या इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स आर माइन्यूट पार्टिकल्स दैट एग्जिस्ट विद इन द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस. जैसे एटम होता है ना, ये आपका एटम है, ये बीच में क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है. क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ओके, और ये जो ऑर्बिट्स में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स वाई इट इज मेंशन इलेक्ट्रॉन्स आर माइन्यूट पार्टिकल्स दैट एग्जिट विद इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी चीज के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर में एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स. ओके, उसके अंदर छोटा सा पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड. टाइटली हेल्ड मतलब एकदम क्लोज है एक दूसरे के. वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? टाइटली हेल्ड है. एंड अदर टाइम्स दे आर लूजली हेल्ड. मतलब समटाइम्स टाइटली हेल्ड, समटाइम्स लूजली हेल्ड. ठीक है, तो यहां पर दो सिचुएशंस बताई गई है. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस मतलब ये मेरा सेंटर, सेंटर ही पकड़ के रखेगा ना उनको. तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर लूजली हेल्ड, मतलब लूज होंगे, एक दूसरे से दूरी पे होंगे, दे आर एबल टू ट्रेवल फ्रीली विद इन द लिमिट्स ऑफ द बॉडी. दे आर एबल टू ट्रेवल फ्रीली विद इन द लिमिट्स ऑफ द बॉडी. अब ये आपके यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है. ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स है. दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग फ्रीली. मूविंग फ्रीली. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. हेंस व्हेन दे मूव अ नंबर ऑफ चार्ज मूव्स. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो जब भी मूव करेंगे उसके चार्जेस भी मूव करेंगे, मतलब उसकी एनर्जी भी मूव करेगी. वी कॉल दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इलेक्ट्रिक करंट. मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसके साथ में उसकी उनके चार्जेस भी मूव करते हैं, और इसी चार्जेस के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. मतलब कोई भी टॉपिक अगर हमें समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक ऑफ द चैप्टर ऑफ द योर सब्जेक्ट, देन यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये मेरा टॉपिक क्या है. ओके, फिर उसके अंदर पॉइंट्स क्या है. सो दैट इज वाई वी डू माइंड मैप एंड सिनॉप्सिस. माइंड मैप सिनॉप्सिस हम क्यों करते हैं? टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर होगा क्या. बिकॉज इफ यू डोंट नो कि इसके अंदर क्या होगा तो आप पढ़ के आप कोई स्ट्रक्चर ब्रेन में नहीं क्रिएट कर पाओगे. ओके, नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एबल टू मूव गवर्न्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी उनकी कैपेसिटी होती है, उनकी खासियत होती है, उनकी फीचर्स होती है कि वो उसको कंडक्ट कर सके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके. सम मटेरियल अलाउ द करंट टू मूव बेटर देन अदर्स. कुछ मटेरियल है जो अच्छे से अलाउ करते हैं, जैसे आयरन हो गया. इससे मेटल, ये मेटल से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी पास होती है, इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से फ्लो होते हैं. व्हेरएज अदर्स डू नॉट अलाउ टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो उसी को कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हम बोल सकते हैं. ठीक है, नाउ
फॉर द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन अ कंडक्टर आर डिस्कस्ड हियर. द इलेक्ट्रिक द सर्किट इंक्लूड्स एनर्जी सोर्सेज बैटरी विच प्रोड्यूसेस वोल्टेज एंड देन इट यू नो इट इट मूव्स द इलेक्ट्रॉन्स. मतलब अभी हमें कोई अगर एग्जाम्पल लेना है तो वी हैव टू गो थ्रू द सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट. नाउ टू चेक द इलेक्ट्रिक सर्किट. हाँ यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है. यहां पर आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल ऑफ दैट ऑल्सो एज वेल. ओके मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं यहां पे. ओके तो ये एक बाउंड्री लिमिट है. इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स है. नाउ वेन एवर यू आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी वोल्टेज देन द डायरेक्शन इज ऑलवेज रैंडम. मतलब आप यहां पे देखो इसका डायरेक्शन ये है इसका डायरेक्शन ये है इसका डायरेक्शन ये है इसका डायरेक्शन ये है. सबका रैंडम डायरेक्शन है. रैंडम मीन्स इन एनी डायरेक्शन वी डोंट नो. रैंडम मीन्स इन एनी डायरेक्शन दैट वी डोंट नो. कोई भी उसको लगा लेफ्ट गया उसको लगा राइट गया इसको लगा ऊपर नीचे जहां कहां जाना है वहां पे जा रहे. सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ रैंडम डायरेक्शन विद इन द बाउंड्री ऑफ अ सब्सटेंस. मतलब जो भी सब्सटेंस है जो भी चीज है जैसे एक कोई मेटल का टुकड़ा ले लिया और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे वो रैंडमली मूव कर देंगे जब तक आप उसको वोल्टेज नहीं अप्लाई करते हो. ठीक है. बट व्हेन यू प्लेस अ सेल बैटरी ओवर हियर देन दे स्टार्टेड मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन. उनका सबका डायरेक्शन क्या होता है सिंगल डायरेक्शन हो जाता है. दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है. दिस इज योर नेगेटिव दिस इज योर पॉजिटिव. ठीक है. तो ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. एंड दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स. ओके दिस इज द टॉपिक एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ये क्या है एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. मतलब सिंपल शब्दों में अगर बोलूं तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे काम करती है या उससे इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है ये इसके बारे में है. ठीक है. तो यहां पर व्हाट वी विल स्टडी हाँ वी हैव अ बैटरी सेल हियर. ओके यहां पे हमारे पास क्या है ये बैटरी सेल है. ठीक है. इफ अ चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी. जैसे जब आप क्या करोगे ना पहले आप बैटरी सेल कनेक्ट करोगे. बैटरी सेल कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज यहां से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. वैसे ही वोल्टेज अप्लाई होगा तो यहां पे क्या होगा चार्ज क्यू जनरेट होगा. मतलब वोल्टेज अप्लाई करोगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा. जैसे यहां पे समझो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. दे आर मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन एज वी स्टडीड अर्लियर. ठीक है. तो व्हेन यू अप्लाई द वोल्टेज ये लोग सब क्या हो जाएंगे ये लोग सब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे. समझो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट किया. ठीक है. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स चार्जेस आल्सो मूव्स. हमने पहले देखा ना कि उसके साथ में क्या होता है उसके साथ में चार्जेस भी मूव होते हैं. यहां पे देखा था ना नंबर ऑफ चार्जेस मूव्स लिखा है ना यहां पे नंबर ऑफ चार्जेस मूव. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स नंबर ऑफ चार्जेस आल्सो मूव्स. तो जब ये चार्जेस मूव करते हैं दैट चार्ज व्हेन वी कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज सेट टू बी करंट. जो चार्जेस मूव करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ में चार्जेस मूव करते हैं मतलब जो एनर्जी उनके साथ में जो मूवमेंट करती है उसको अगर टाइम से डिवाइड करोगे या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करोगे कि एक मिनट में या एक सेकंड में कितने चार्जेस मूव हुए या ट्रांसफर हुए फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस दैट इज नथिंग बट आई. एंड आई इज इलेक्ट्रिक करंट. आई इज वॉट इलेक्ट्रिक करंट. याद रखना वोल्टेज वी चार्ज क्यू टाइम टी आई इज योर इलेक्ट्रिक करंट. एंड इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट चार्ज डिवाइड बाय टाइम. आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी. ओके सो एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो यहां पे चार्ज हमें पता चला चार्ज क्या है क्यू है. ओके नाउ वर्क डन इज वी ए बी क्यू. वी ए बी क्यू मतलब क्या हाउ वी आर कैलकुलेटिंग वर्क डन हियर बिकॉज दिस इज वी. वोल्टेज क्या है हमारा वी. वी इज फ्लोइंग लेट मी क्लियर दिस एरिया. बहुत ज्यादा यहां पे
कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। वोल्टेज क्या है अप्लाइड? वी। यहां पे बैटरी सेल है तो वोल्टेज अप्लाइड क्या है? वी है, ठीक है। तो वी कहां से फ्लो हो रहा है? ए टू बी। इसके लिए हम लिखेंगे वी ए बी। वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? वोल्टेज अप्लाइड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। नाउ वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट वर्क डन। तो वर्क डन मेरा क्या हो गया? वी ए बी क्यू, ठीक है। वी ए बी क्यू मतलब मेरा वोल्टेज और ये मेरा चार्ज, ठीक है। वोल्टेज और चार्ज, वोल्टेज क्या हो गया? वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस ए बी, और चार्ज मेरा क्या है? क्यू। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू वी ए बी क्यू। अब मैं सेकेंड, देखो मैंने यहां पे एक ऑर्डर लिखा है डब्ल्यू पी एच। क्या लिखा है? डब्ल्यू पी एच मतलब सबसे पहले आपको वर्क डन लिखना है, सेकेंड आपको क्या लिखना है? पी इज पावर, बट इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू क्या आता है? पावर मतलब कितना एनर्जी कितने टाइम में, उसको बोलेंगे पावर। तो दिस इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ व्हाट इज माय एनर्जी? जो काम किया है वो मेरी एनर्जी है। सो मेरा वर्क डन इज माय एनर्जी। सो एनर्जी इज वी ए बी क्यू बाय टी। एनर्जी इज वी ए बी क्यू बाय टी। अब क्यू बाय टी क्या था? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम क्या था? आई करंट था ना, बोला ना कि जितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, उसको बोलेंगे करंट। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो जो क्यू बाई टी है हमारा यहां पर वी ए बी क्यू बाई टी, तो यहां पर आपका I इज इक्वल टू क्यू बाई टी आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वी ए बी, और क्यू बाई टी की जगह पे आप I डाल सकते हो, वी ए बी I। तो पहले हमने W निकाला वर्क डन, फिर हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रिकल पावर निकाला। अब थर्ड अपना कंपोनेंट है H। एक वर्क डन था, एक पावर था इलेक्ट्रिकल, और थर्ड अपना एच कंपोनेंट विच इज हीट प्रोड्यूस्ड। एच इज हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। हीट प्रोड्यूस क्या है हमारा? पावर इंटू टाइम। माय पावर इज वी ए बी आई, तो मैंने लिख दिया वी ए बी आई, और टाइम तो टाइम है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हुआ था ना लास्ट ईयर, ओहम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, सिंपल है ना। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये जो अपना फॉर्मूला है वी ए बी आई इंटू टी, आपको सेम टू सेम लिखना है। फिर वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू क्या? आई आर, ठीक है। ये देखो वी इज इक्वल, सॉरी वी ए बी इंटू आई इंटू टी है ना, तो वी इज इक्वल टू आई आर मतलब आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो ये आई आई क्या हो जाएगा? ये आई आई हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो ये आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ये देखो ये दोनों आई स्क्वायर हो गया, आर यहाँ पे आ गया, टी यहाँ पे आ गया। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? जूल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है।